हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। तो चलिए आज से स्टार्ट करते हैं साइंस की क्लासेस। तो साइंस की क्लासेस, साइंस का फर्स्ट चैप्टर पढ़ने से पहले हम जानेंगे कि साइंस क्या है, व्हाट अबाउट साइंस। साइंस को पढ़ने जा रहे हैं, लेकिन साइंस के चैप्टर्स को पढ़ने से पहले बेटा हम पढ़ेंगे व्हाट इज साइंस। ओके, तो बताइए साइंस क्या है। साइंस, एनी स्टूडेंट प्लीज टेल मी व्हाट इज साइंस। देखिए बेटा, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ने जा रहे हैं, पहले उसके बारे में जानेंगे, फिर देन उसका फादर ऑफ साइंस कौन होगा उसके बारे में पता करेंगे, फिर कितनी ब्रांचेज से मिलके ये साइंस बनी हुई है। ओके, तो साइंस क्या है, साइंस की डिफिनीशन लिख लीजिए, समझ लीजिए। साइंस, इट इज स्टडी ऑफ एंड नॉलेज अबाउट नेचुरल एंड फिजिकल वर्ल्ड। तो साइंस क्या है, इट इज़ स्टडी एंड नॉलेज अबाउट नेचुरल एंड फिजिकल वर्ल्ड। जो वर्ल्ड है आपका, उसमें जो फिजिकल थिंग्स और नेचुरल थिंग्स, जो नेचुरल थिंग्स और फिजिकल थिंग्स के बारे में स्टडी करेंगे, तो स्टडी आपकी क्या कहलाएगी, साइंस। साइंस ब्रांचेज, मेनी ब्रांचेज ऑफ साइंस, बहुत सी ब्रांचेज साइंस की हैं, लेकिन आपके सिलेबस में जो ब्रांचेस दी गई हैं, साइंस जो आपका सब्जेक्ट है उसमें आपको पढ़ना है। देखिए बेटा, केमिस्ट्री पढ़नी रहेगी, केमिस्ट्री। सेकंड, बायोलॉजी एंड फिजिक्स। साइंस की बहुत सारी ब्रांचेस हैं, लेकिन जो आपको पढ़नी है आपके सिलेबस में, आपके साइंस का कॉम्बिनेशन जो बनाया गया है, उसमें केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है और फिजिक्स है। केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, बायोलॉजी है एंड फिजिक्स है। तो चलिए बेटा, आप जानते हैं कि फादर ऑफ साइंस, जो हमें सब्जेक्ट मिला है, साइंस पढ़ने जा रहे हैं, लेकिन साइंस देन किसकी है, फादर ऑफ साइंस कौन है, तो उनके बारे में जानते हैं। एनी वन स्टूडेंट नो अबाउट फादर ऑफ साइंस, फादर ऑफ साइंस बताइए बेटा कौन है फादर ऑफ साइंस। फादर ऑफ साइंस गैलीलियो गैलीली। तो फादर ऑफ साइंस कौन है बेटा, ये लिख लीजिएगा। पहले स्टार्ट करने से कॉपी और पेन लेकर बैठिए बेटा, लिखते चलिए, लेसन की स्टार्टिंग बाद में करेंगे, पहले बेसिक जान लें साइंस के बारे में। ओके, तो अब स्टार्ट करते हैं फादर ऑफ साइंस। इतनी चीज मैंने बता दी आपको जो जो पढ़ना है, अब लिखिए फादर ऑफ साइंस फादर ऑफ साइंस कौन है बेटा, गैलीलियो गैलीली। तो लिख लीजिए बेटा, इसे भी लिख लीजिए, राइट डाउन करते चलिए। जो हम मैंने आपको बताया, आपको साइंस पढ़ना है, साइंस आपकी में कॉम्बिनेशन है केमिस्ट्री। सेकंड, बायोलॉजी। थर्ड, फिजिक्स। तो बेटा ध्यान दीजिए, अब हम क्या करेंगे, जो आज लेसन स्टार्ट होगा केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस जो पहला पार्ट है आपका केमिस्ट्री का है, तो बताइए, एनीवन नो अबाउट डेट केमिस्ट्री। जो केमिकल चेंजेस होते हैं, केमिकल रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स जो होते हैं, उन्हीं के बारे में जब स्टडी करेंगे हम, केमिकल कंपाउंड्स के बारे में स्टडी करेंगे, आपकी कहलाएगी केमिस्ट्री कहलाएगी। किसी की बच्चे को पता है फादर ऑफ केमिस्ट्री किसकी देन है, लिखिए फादर ऑफ केमिस्ट्री एंटोनी लेवाजियर।
अब बेटा दो लोगों के फादर ऑफ बायोलॉजी एंड फादर ऑफ फिजिक्स, जिन बच्चों को पता है वो कमेंट में करके बताएं, और जब मैं बायोलॉजी का पार्ट स्टार्ट करूंगा तब वहां पे आपके बायोलॉजी के फादर नाम बताऊंगा और फिजिक्स का, और जो बच्चे जल्दी नाम बताएंगे बायोलॉजी एंड फिजिक्स के फादर कौन है, उन बच्चों का नाम अगली वीडियो आने जो भी वीडियोज़ आएंगी उनमें उनका नाम लिया जाएगा। तो जल्दी बताइए कमेंट में बायोलॉजी के फादर और फिजिक्स के फादर कौन है। चलिए इतना तो हमने पढ़ लिया साइंस एंड केमिस्ट्री के बारे में। अब बात करते हैं जो आपका लेसन है, लेसन को स्टार्ट करते करने से पहले कुछ चीज़ें बेसिक और आपको बता देना चाह रहा हूँ मैं। हाउ मैनी स्टेट्स ऑफ मैटर, बताइए बेटा मैटर की कितनी स्टेट्स होती हैं, मैटर की कितनी स्टेट होती हैं। बेटा वो मैटर मत समझना जो काले टाइम पे लड़ाई जंगा पंगा कर देते हैं और बोलते हैं भाई यार मैटर हो गया संभाल लेना, तो ये वाला मैटर नहीं, जो मैटर सब्सटेंस होते हैं वो वाला मैटर। बताइए कितनी स्टेट्स ऑफ मैटर होती हैं, ध्यान दीजिए बेटा बताइए कितनी मैटर्स होती हैं। स्टेट मैटर ऑफ स्टेट्स, मैटर और लिखिए स्टेट्स ऑफ मटेरियल और मैटर। एनी वन नो अबाउट डेट हाउ मेनी स्टेट्स ऑफ मैटर, जिसको पता है कमेंट में बताइए, कमेंट में बताइए बेटा। तो थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर, फर्स्ट सोलिड, सेकेंड लिक्विड एंड थर्ड गैस। तो ये थ्री स्टेट्स होती हैं, जितना भी आपका मैटर पाया जाएगा इन यूनिवर्स तीन ही स्टेट में पाया जाएगा, या तो आपका सॉलिड में होगा या फिर लिक्विड होगा या फिर गैस होगा। नेक्स्ट आगे जब मूव करेंगे आप ट्वेल्थ या बीएससी लेवल पे पढ़ेंगे तो एक प्लाज्मा टाइप का, प्लाज्मा भी एक स्टेट होती है, लेकिन वहाँ यहाँ पर नहीं आपको पढ़ना है अभी इतना, लेकिन आपको यहाँ पर तीन ही स्टेट पढ़नी है सॉलिड लिक्विड गैस। ओके तो अब बात करते हैं बेटा कि कहीं कहीं पर जो केमिकल इक्वेशंस होंगी उनमें कहीं पे जब किसी कोई केमिकल फार्मूला या कंपाउंड लिखा होगा, केमिकल फार्मूला या कंपाउंड लिखा होगा तो उनके सफिक्स में ऐसे यस बना होगा, तो यस का मतलब होगा जो वो केमिकल फार्मूला लिया गया है वो सॉलिड स्टेट, वो जो मटेरियल है आर सब्सटेंस है तो वो सॉलिड स्टेट में है। अगर लिक्विड यल, अगर लिक्विड स्टेट में होगा तो यल सफिक्स में डिनोट किया जाएगा, अगर गैस फॉर्म में होगा तो गैस के लिए जी डिनोट किया जाएगा। अब एक ही बहुत कंफ्यूजिंग चीज़ बेटा ये होगी, जैसे ये H2O प्लस O2 हमने लिया तो H क्या होगा गैस फॉर्म में, यहाँ पर गैस या यहाँ पर भी लिख देते हैं इस तरीके से, ठीक है कहीं पर भी लिखा हो तो बेटा इसी तरीके से लिखा रहेगा H2 प्लस O2, ये गैस फॉर्म में, ये भी गैस फॉर्म में, इसे बनेगा H2O, ये होगा लिक्विड फॉर्म में, तो इस तरीके से डिनोट कर दिया जाएगा, ये इनकी स्टेट के बारे में बता दिया जाएगा बेटा, इनकी स्टेट्स के बारे में बता दिया जाएगा। अब बात करते हैं बेटा कहीं पे जो केमिकल इक्वेशन लिखी होगी, ध्यान दीजिए केमिकल इक्वेशन लिखी होगी और सफिक्स में AQ लिखा होगा, AQ लिखा होगा, ठीक है AQ लिखा होगा। अब बेटा ध्यान देना, यहाँ पे कन्फ्यूज नहीं होना बेटा, ध्यान देना कन्फ्यूज नहीं होना आपको, AQ का मतलब अच्छी तरीके समझा रहे हैं, ध्यान दीजिए। जब आपने क्लास नाइन्थ में UHD इन क्लास नाइन्थ व्हाट इज सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन क्या होता है ध्यान दीजिए बेटा, सोलवेंट प्लस सॉल्यूट, सोलवेंट प्लस सॉल्यूट गिव्स सॉल्यूशन। भैया अब बात करते हैं बेटा ध्यान दीजिए, कंफ्यूज नहीं होना बिल्कुल, सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट को मिक्स कराते हैं तब सॉल्यूशन मिलता है। अब जब सॉल्वेंट की जगह पे वाटर यूज़ किया गया हो और सॉल्यूट की जगह पे कुछ भी हो, कोई भी सॉल्यूट हो उससे हमें कोई मतलब नहीं है, सॉल्यूट कोई भी हो, शुगर हो या फेरस सल्फेट हो या फिर आपका अमोनिया हो, NH3 हो या नाइट्रोजन हो या ऑक्सीजन हो, कुछ भी वहाँ पे यूज़ किया गया है
ध्यान दीजिएगा बेटा, आपका सॉल्वेंट की जगह पे वाटर और सॉल्यूट की जगह पे माना कि हमने शुगर को यूज़ किया, जो हमें सॉल्यूशन मिलेगा, जो हमें सॉल्यूशन मिलेगा वो एक्वा सॉल्यूशन होगा। एक्वा सॉल्यूशन का मतलब है जो सॉल्वेंट उसमें यूज किया गया है, जो उसमें सॉल्वेंट यूज किया गया है वो सॉल्वेंट क्या है, वाटर है। आया समझ में बेटा। तो सॉल्वेंट यूज किया गया है वो क्या है, वाटर है। ध्यान दीजिएगा बेटा, वाटर है, ठीक है। अब कोई भी कहीं पर भी बात कर दे, भैया ये एक को यहाँ पर एक्टिव डिनोट कर दिया गया है, Fe SO4 यहाँ पे एक्टिव लिख दिया गया है, तो इसका मतलब समझ जाइएगा ये वाटर का सोल्यूशन है, इसमें वाटर का सोल्यूशन है, जो इसमें सोल्यूशन है, सोल्यूशन के रूप में जो यूज किया गया है सोल्यूशन है, सोल्यूशन में जो सॉल्वेंट यूज किया गया है वो क्या है बेटा, वाटर है। आया समझ में, वाटर है। तो आगे बात करते हैं, बस जहां पर एक्टिव लिखा होगा उसका मतलब होगा एक्वास सॉल्यूशन, यानी कि जो उसमें सॉल्वेंट यूज किया गया है वो बेटा क्या है, वाटर है। ओके, चलिए अब आगे बात करते हैं। तो इतनी तो बात कर ली, अब बात चलिए लेसन पर पहुंचते हैं आपके। चलिए बेटा लेसन पे पहुंचते हैं, लेसन सभी लोग डालिए, अब लेसन की स्टार्टिंग करते हैं। नए पेज से डालिएगा लेसन का नाम बेटा, अच्छी तरीके से नोट्स बनाते चलना, एकदम झमाझम एक एक कॉन्सेप्ट आपको बताया जाएगा, हाई लेवल डिलीवरी होगी यहाँ पर, हाई लेवल कॉन्सेप्ट। चलिए लेसन डालिए, चैप्टर नंबर वन। चैप्टर नंबर वन क्या है, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस। केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस पर आने से पहले बेटा एक चीज और आपसे पूछना चाहूंगा मैं, बताइए हाउ मेनी टाइप्स ऑफ चेंजेस, कितने टाइप के चेंजेस होते हैं, जिसको पता है वो बताए कमेंट में, बताइए बेटा कितने टाइप के चेंजेस होते हैं। हाँ बेटा, टू टाइप्स चेंजेस होते हैं, सही है, टू टाइप्स चेंजेस होते हैं। तो पहला कितना होता है, पहला कौन सा होता है, टाइप्स ऑफ चेंजेस। तो कितने टाइप्स के होते हैं, टू टाइप्स। पहला फिजिकल चेंज, सेकेंड केमिकल चेंज। ध्यान दीजिए बेटा, फिजिकल चेंज की बात करते हैं, फिजिकल चेंज यानी कि जो भी चेंजेस होंगे वो अपनी दोबारा रीगेन कर सकते हैं, जो अपनी प्रॉपर्टी को खोएगा, अपनी खुद की सेल्फ प्रॉपर्टीज को खोएगा, अपने वर्ज्यू को खोएगा और वो दोबारा पा सकता है। अब एग्जांपल लीजिएगा, रियल लाइफ एग्जांपल आपको बता रहे हैं, अपने घर पे ग्लास लीजिएगा, ग्लास में पानी ले लीजिएगा और पानी को क्या करिए, फ्रिज में रख दीजिएगा, फ्रिज को ऑन कर दीजिएगा, कुछ टाइम देखिएगा, जो H2O यानी कि वाटर है, जो बेटा वाटर जब टेम्परेचर इसका 0 डिग्री सेल्सियस के करीब में पहुंच जाएगा, तब ये आइस में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर इसे क्या, ये क्या हुआ, यहाँ पे फिजिकल चेंज हुआ, और फिर इसे आप एटमॉस्फेयर में बाहर निकाल कर रख दीजिएगा, फिर ये लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा वाटर। यही होता है आपका फिजिकल चेंज। फिजिकल चेंज का मतलब होता है अगर वो चेंज हुआ है, रिवर्स, अपनी पोजीशंस को रीगेन कर सकता है। अब बेटा बात करते हैं केमिकल चेंज, जहां पर भी बेटा केमिकल चेंज होगा वो अपनी प्रॉपर्टीज को एक बार खोने के बाद दोबारा रीगेन नहीं कर पाएगा, अपनी प्रॉपर्टीज को एक बार खो देगा, ध्यान रखिए बेटा, अपनी प्रॉपर्टीज को एक बार खो देगा फिर दोबारा उन्हें रीगेन नहीं कर पाएगा। आप एग्जांपल लीजिए बेटा, अपने ही घर पे देखिएगा, कभी जो मिल्क होता है, मिल्क कन्वर्ट हो जाता है कर्ड में कन्वर्ट हो जाता है, फिर हम कोई भी प्रोसेस लगा लें, कितनी भी तकनीक लगा दें, क्या बताइए बेटा कर्ड मिल्क में कन्वर्ट हो पाएगा, नहीं कन्वर्ट हो पाएगा। देखिए मिल्क जो होता है, मिल्क अपनी आइडेंटिटी को खो देगा। एक बार मिल्क दही में कन्वर्ट हुआ, फिर उस मिल्क को कभी मिल्क नहीं बोला जाएगा, वो दही ही बन जाएगी, कितना भी प्रोसेस लगाएं दही में नहीं, मिल्क में नहीं कन्वर्ट हो पाएगा। तो बेटा इस टाइप के जो प्रोसेस होते हैं, जो अपनी प्रॉपर्टीज को रीगेन नहीं कर पाएंगे, वो चेंजेस क्या कहलाएंगे, केमिकल चेंजेस। बेटा अब बात कर लेते हैं
अब केमिकल इक्वेशन के बारे में, जहां भी केमिकल चेंजेस होंगे, जहां भी केमिकल चेंजेस होंगे उन्हें इजी वे में अपनी कन्वीनियंस के लिए, रिप्रेजेंट के लिए यूज किया जाता है केमिकल रिएक्शंस का, केमिकल रिएक्शंस का। और ध्यान दीजिए, और जो केमिकल रिएक्शंस का यूज किया जाता है वो जब कुछ सिंबल्स होते हैं और फार्मूलाज होते हैं, उसी केमिकल रिएक्शन को सिंबल एंड फार्मूला का यूज करके सिंबॉलिक फॉर्म में जब लिख देते हैं तो वही रिएक्शन क्या हो जाती है, केमिकल इक्वेशन कहलाती है। बस इतना सा सिंपल सा फंडा है, समझ गए होंगे आप। अब चलिए लेसन को स्टार्ट करते हैं, अब मजा आएगा ना, अब मजा आएगा। पहले तो अगर डायरेक्ट लेसन को स्टार्ट कर देते बेटा, अगर ना समझाते तो सिंपली वही बात हो जाती है, किताब में लिखा हुआ वही पढ़ के आपको बता रहे हैं, तो वो बात अच्छी नहीं लगती है। बात तभी अच्छी लगती है जब पूरा अच्छी तरीके से समझ में आए बेटा। अच्छा समझ में आ रहा ना बेटा, कमेंट करके बताइए, कमेंट करके बताइए, इसी तरीके से कंटिन्यू लेक्चर आते रहेंगे। चलिए बेटा बात करते हैं केमिकल रिएक्शन की, केमिकल रिएक्शन की लिखिए, केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन। अब डिफिनीशन लिख लीजिए बेटा, स्टैंडर्ड डिफिनीशन लिख लीजिए, लिखिए, इन दिस प्रोसेस, इन दिस प्रोसेस सम वन लॉसेस, लॉसेस इट्स ओन आइडेंटिटी, आइडेंटिटी सम वन लॉसेस इट्स ओन आइडेंटिटी एंड adopt new identity, identity। यही होती है केमिकल रिएक्शन। बेटा देखिए क्या लिखा हुआ, इन दिस प्रोसेस समवन लॉसेस ओन आइडेंटिटी, लॉसेस ओन आइडेंटिटी एंड adopt new identity। तो क्या था, मैंने बोला था आपको मिल्क कन्वर्ट हुआ कार्ड में कन्वर्ट हुआ, तो क्या हुआ, मिल्क ने अपनी आइडेंटिटी को खो दिया और एक नई आइडेंटिटी गेन कर ली। जो नई आइडेंटिटी अडॉप्ट की तो वो क्या है, कर्ड, वो क्या है, दही। मिल्क ने अपनी आइडेंटिटी को खो दिया और दूसरी आइडेंटिटी को अडॉप्ट कर लिया, मिल्क कन्वर्ट हो गया दही में, तो यही एक क्या है? आपका कहलाएगा केमिकल चेंज, केमिकल चेंज। चलिए आपके जो आपके चैप्टर में जो इक्वेशन लिखी है उसे लिखते हैं फिर आगे चलते हैं। तो लिखा हुआ है मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स मैग्नीशियम, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो बेटा क्या हो रहा है, मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम को रिएक्ट करा रहे हैं ऑक्सीजन के साथ, मैग्नीशियम जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है तो बना रहा है मैग्नीशियम डाई, नो मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो क्या बना रहा है, मैग्नीशियम रिएक्ट हो रहा है ऑक्सीजन के साथ और बना रहा है मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये आपकी हो गई, ये आपकी हो गई कन्वीनियंस के लिए, अपनी कन्वीनियंस के लिए मैग्नीशियम कन्वर्ट ऑक्सीजन से रिएक्ट कर रहा है फिर कन्वर्ट हो रहा है मैग्नीशियम ऑक्साइड। इतनिया कुछ ना बोलना पड़े हमें, तो इसीलिए हमने केमिकल रिएक्शंस को इस सिंपल लैंग्वेज में लिखना चाहा तो हमने कर दिया कि मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स मैग्नीशियम डाइऑक्साइड। अब देखिएगा बेटा, अब यहाँ पर देखिएगा ध्यान से, इतनी बात हो गई हमारी काहे की, केमिकल रिएक्शन की। अब जब हम सिंबल्स का यूज़ कर लेंगे या सिंबल्स और फार्मूलाज का यूज़ कर लेंगे उस फॉर्म में लिख देंगे तो केमिकल इक्वेशन कहलाएगी। लिख लीजिए बेटा एम जी प्लस ओ टू गिव्स एम जी प्लस ओ टू गिव्स एम जी ओ। तो ये आपकी जो ये रिटर्न है इस फॉर्म में रिटर्न है, ये केमिकल रिएक्शन लिखी हुई है, और ये जब इस फॉर्म में लिख देंगे तो केमिकल इक्वेशन हो जाएगी। अभी बेटा यहीं पर बात कर लेते हैं केमिकल इक्वेशन बैलेंस करने की, बैलेंस करने की, बैलेंस कर लेते हैं, पहले बताएंगे बैलेंस क्यों करते हैं, लेकिन पहले बैलेंस करके देखते हैं। देखिए बेटा बैलेंस करने का क्या फंडा होता है, एम जी कितना है यहाँ पे, एम जी एक है, ऑक्सीजन कितना है दो है, लेकिन यहाँ पर एम जी एक है और ऑक्सीजन भी एक है। तो क्या हुआ, ऑक्सीजन का इस साइड में, ऑक्सीजन का इस साइड में एक
मॉलिक्यूल्स एक मोल कम है, एक मॉलिक्यूल्स कम है, तो भैया ये क्या कहेंगे कि या तो हमसे एक ज़्यादा ले लीजिए या हमें रिटर्न कर दीजिए। तो हमें करना क्या है, यहाँ पर देखिए सिंपल सा Mg, 2 Mg यूज कर लेंगे प्लस O2 प्लस गिव्स 2 MgO। तो बेटा रिएक्शन जो आपके बुक्स में यहीं तक लिख के छोड़ दिया गया है तो वहाँ तक लिख के ना छोड़िएगा, एग्जाम टाइम में आए तो पूरा रिएक्शन यहाँ तक लिख लेना और बैलेंस करके छोड़ना। जब तक इक्वेशन बैलेंस नहीं होगी तब तक ठीक नहीं बेटा, बैलेंस करके छोड़ना है, ठीक है। इक्वेशन को बैलेंस करना, बैलेंस नहीं हो रही है तब बात गलत है। कोई भी चीज़ है भाई, जितना हमने अमाउंट दिया है हमें बाद में उतना ही चाहिए, तो बैलेंस इक्वेशन को बैलेंस करके चलना है। ये इतना राइट डाउन, नोट डाउन कर लीजिए, नोट कर लीजिए। अब आगे बात करते हैं बेटा, आगे बात करते हैं, चलिए केमिकल रिएक्ट इक्वेशन की बात करेंगे, केमिकल इक्वेशन की बात करेंगे। आप लिखा रहने दीजिएगा, उसी से नीचे हेडिंग डाल लीजिए अब केमिकल इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन। ध्यान दीजिए बेटा, द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, जब हमने केमिकल रिएक्शन लिखी थी और केमिकल रिएक्शन को क्या किसमें कन्वर्ट कर दिया, सिंबल्स और फार्मूला का यूज कर लिया था, उस फॉर्म में लिख दिया तो सिंपल सा केमिकल रिएक्शन, केमिकल इक्वेशन। इसी फॉर्म में द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन बाई यूजिंग सिंबल्स एंड फार्मूलाज इज नोन एज केमिकल इक्वेशन। लिखिए, ऐसे भी लिख सकते हैं, इट इज अ सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ, लिख लीजिए, इट इज अ सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। नोट्स बेटा बिल्कुल क्लियर बनाते चलना है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ, इट इज अ सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन बाय यूजिंग सिंबल्स एंड फार्मूलाज जब हम क्या करेंगे, जब हम सिंबल्स और फार्मूलाज का यूज़ करेंगे, सिंबॉलिक फॉर्म में रिप्रेजेंट कर देंगे केमिकल रिएक्शन को, तो केमिकल रिएक्शन वही केमिकल इक्वेशन हो जाएगी। तो आपके में लिखा हुआ था मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड। सिंबल्स का यूज कर दीजिए, Mg प्लस O2 गिव्स MgO। इक्वेशन को बैलेंस कीजिए बेटा, पहले मैंने एक तरीके से बैलेंस करके दिखाई थी, अब दूसरी तरीके से भी बैलेंस कर सकते हैं आप। देखिए Mg प्लस हाफ O2 कर दीजिए यहाँ पे, तो गिव्स MgO। तो क्या हुआ, हाफ Mg, हाफ का मतलब क्या होता, हाफ Mg, ये एक दो हुआ, एक 1/2, उधर 1/2 था, ये क्रॉस हुआ, ये एक बचा, या 1/2 का मतलब 0.5 × 2 × 1, यानी कि ऑक्सीजन कितना है, एक है, Mg कितना है, एक है, Mg यहाँ पे कितना है, एक, ऑक्सीजन कितना है, एक। इक्वेशन बैलेंस हो गए बेटा, इक्वेशन बैलेंस हो गए। देखिए कहीं पर भी बेटा इक्वेशन लिखनी है, बुक्स में लिखा हुआ है और बाकी छोड़ दिया गया, वहाँ पे बैलेंस करके नहीं लिखी गई, तो इक्वेशन को बेटा बैलेंस कर लेना आपको, ओके। इक्वेशन को बैलेंस करके लिखिएगा, एग्जाम टाइम पर अगर पूछा जा रहा है इक्वेशन को बैलेंस करके लिखिएगा, बिना बैलेंस किए हुए मत छोड़िएगा, ध्यान रखिएगा मेरी बात को। बात करते हैं अब आपको, कुछ हम केमिकल रिएक्शन दे रहे हैं, उन्हें इक्वेशन फॉर्म में लिखना है, केमिकल इक्वेशन देंगे, इक्वेशन फॉर्म में लिखना है। लिखिए बेटा, ध्यान दीजिए, लिखिए केमिकल रिएक्शन हम आपको लिख के दे रहे हैं, केमिकल रिएक्शन लिख के दे रहे हैं, आपको लिखना क्या है, केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन हम लिख रहे हैं, लिखिए जिंक
जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड गिव्स जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन। बताइए बेटा केमिकल इक्वेशन इसकी क्या होगी, केमिकल इक्वेशन क्या होगी, कोई बता सकता है बेटा, कमेंट में बताइए। तो जिंक का सिंबल क्या होता है, ZN। सल्फ्यूरिक एसिड का फार्मूला क्या होता है, फार्मूला होता है H2SO4। वो क्या बन रहा है, जिंक सल्फेट, तो जिंक इसके साथ आ जाएगा ZnSO4 एंड हाइड्रोजन रिलीज। देख लीजिए बेटा केमिकल इक्वेशन लिख गई है। अब बात करते हैं आपके में लिखा हुआ है केमिकल इक्वेशन बैलेंस। भाई वी नीड केमिकल इक्वेशन बैलेंस, जो मैंने आपको अभी केमिकल इक्वेशन देख लीजिए, अब इसे बैलेंस देख लेते हैं, ये बैलेंस है या नहीं है हमारी इक्वेशन। तो जिंक यहाँ पे कितना है बेटा, एक है, हाइड्रोजन कितना है, दो है, यस कितना है, एक है सल्फर, और ऑक्सीजन कितना है, चार है। यहाँ पे देखिए जिंक एक है, सल्फर एक है, ऑक्सीजन चार है, हाइड्रोजन दो है। तो देखिए हाइड्रोजन दो, ये इक्वेशन बैलेंस हो रही है। अब बात करेंगे केमिकल इक्वेशन जो लिखी हुई थी उन्हें बैलेंस क्यों करना पड़ा हमें। तो यू स्टडी अबाउट लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन, यू स्टडी अबाउट दिस एंड इवन नो डेट अबाउट, तो जो जिसे पता है लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन, बताइए बेटा क्या होता है, कमेंट में बताइए। लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन व्हाई वी नीड केमिकल इक्वेशन बैलेंस, हमें जरूरत क्या पड़ी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने की। तो देखिए आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा फार्मूला लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन का, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन, मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड इन केमिकल रिएक्शन। फिर से सुनिए एक बार, मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड इन केमिकल रिएक्शन और प्रोसेस। देखिए कहीं पर भी केमिकल रिएक्शन या प्रोसेस करा रहे हैं आप, कहीं पर भी केमिकल रिएक्शन या प्रोसेस करा रहे हैं तो हो सकता है फेज तो चेंज हो जाए या उसकी प्रॉपर्टी चेंज हो जाए या दूसरे एक फार्म से दूसरे फार्म में कन्वर्ट हो जाए, लेकिन जितना मास आपने अकॉर्डिंग शुरुआत में लिया था वो उतना ही मास रहेगा। देखिए अगर आपने 1 लीटर मान के चलिए, आपने 1 लीटर मिल्क लिया, पहले मेरी बात को समझिए फिर आपको लिखवा रहे हैं, आपने मिल्क लिया, मिल्क क्या था, 1 लीटर मिल्क लिया और मिल्क को कन्वर्ट किया आपने कर्ड में कन्वर्ट किया, तो यहाँ पे क्या होगा, जितना अमाउंट मिल्क का था उतना ही अमाउंट कर्ड का होगा। अगर कम हो रहा है तो हो सकता है मे भी यहाँ से कहीं आपने कुछ गर्म किया हो, हीट किया, वेपरेट हो गया या वेपराइजेस हो गया, लेकिन वो भी अमाउंट ही उसी में ऐड होगा। तो जितना भी अमाउंट आपका एक फेज से दूसरे फेज में चेंज हो सकता है या थोड़ा कहीं बाहर आपने गिरा दिया, लेकिन जितना मिल्क था उतना ही दही बनना चाहिए। तो यही लाभ मास कंजर्वेशन का कहना है, मास के नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन और केमिकल प्रोसेस। कोई भी केमिकल रिएक्शन आप प्रोसेस करा रहे हैं तो उसमें जितना आप रिएक्टेंट लेंगे उतना ही प्रोडक्ट मिलना चाहिए, ना ही कम होना चाहिए और ना ही ज़्यादा होना चाहिए। तो चलिए, और जब ना ही कम और ना ही ज़्यादा होगा तो इसीलिए हमें केमिकल इक्वेशन को ध्यान में रख के बैलेंस करना पड़ेगा। तो चलिए लिखिए बेटा, लिखिए According to law of mass conservation, mass can neither we created nor destroyed
डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन. सो वी नीड केमिकल रिएक्शन, वी नीड वैलेंस केमिकल इक्वेशन, केमिकल रिएक्शन आर इक्वेशन. तो लाभ मास कंजर्वेशन का कहना था, जितना हमने अमाउंट आपको दिया उतना ही हमें बाद में अमाउंट दे दीजिए रिटर्न इन प्रोडक्ट फॉर्म में. तो इसी के कारण हमें क्या करना है, जो भी रिएक्शन करानी है उसे बैलेंस कराते हुए चलना है. ओके, अगर हमने बैलेंस नहीं कराया तो ये अवॉइड कर जाएगा, मतलब इसका इसकी बात को नहीं मानेगा, इसकी बात को नहीं मानेगा. ठीक है, तो हमें बैलेंस कराते चलना है. वो वहाँ पे पहले लिख दी Mg प्लस O2 इज गिव्स टू MgO लिख के छोड़ दिया गया है. तो वहाँ पर बेटा आप अगर एग्जाम के टाइम पे लिख रहे हैं तो उसे बैलेंस करके लिखिएगा. बेटा बात कर लेते हैं एक रिएक्शन की जो आपके बुक में लिखी है. क्या लिखा हुआ है, Fe प्लस H2O आयरन Fe. क्या लिखा हुआ बेटा, बात कर लेते हैं. देखिए लिखा हुआ Fe मीन्स आयरन प्लस H2O gives Fe3O4 plus H2O. तो ये रिएक्शन लिखी हुई है बेटा, बैलेंस करनी है हमें इक्वेशन, इक्वेशन को बैलेंस करना है. तो यहाँ पे देखिए आयरन कितना है 1, हाइड्रोजन कितना है, हाइड्रोजन कितना है 2, ऑक्सीजन कितना है 1, यहाँ पे आयरन कितना है 3, ऑक्सीजन 4 है, हाइड्रोजन 2 है. तो बैलेंस करते हैं ऑक्सीजन को, आप इसे बैलेंस करते हैं बेटा, बैलेंस कर लीजिए. क्या बैलेंस करना है हमें, हाइड्रोजन पहले हम ऑक्सीजन को बैलेंस कर लेते हैं. अगर हम यहाँ पे क्या करें, देखिए बेटा ध्यान दीजिए. तो चलिए बेटा इसे इरेज करके अब ऊपर लिख रहे हैं, ये लिखा रहने दीजिएगा नीचे, थोड़ा हम ऊपर लिख रहे हैं, जगह की कमी है. तो ध्यान दीजिए बेटा क्या करना है. देखिए बेटा क्या करना है अब यहाँ पे, तो हम पहले ऑक्सीजन को बैलेंस कर लेते हैं. अगर यहाँ पे 4 है, यहाँ पे हमें मिल रहा है 4, तो हम यहाँ पे कर दे रहे हैं 4H2O. बात समझिएगा मेरी, ध्यान से बात समझिएगा बेटा. क्या मिल रहा है, Fe3 मिल रहा है, Fe3 मिल रहा है, O4 मिल रहा है, प्लस H2O मिल रहा है. H2O को बैलेंस करा लीजिए बेटा. H2O को बैलेंस कराने के लिए यहाँ पे 4H2O लिख दीजिए, 4 और 2-4 जाए, 2-4 जाए हो जाएगा. अब बेटा बात क्या रहेगी, देखिए बेटा बात रहेगी हमें Fe को बैलेंस करना है. अगर Fe हम यहाँ पर 3 ले लें तो देखिए बैलेंस हो गई इक्वेशन. Fe कितना है 3 है, हाइड्रोजन कितना 8 है, ऑक्सीजन कितना 4 है, Fe कितना 3 है, ऑक्सीजन कितना 4 है, हाइड्रोजन कितना है 8 है, कितना है 8 है. ओके बेटा आया समझ में, आया समझ में आप लोगों को. इसी तरीके से लेक्चर्स में आप बने रहिए, लेक्चर्स में बने रहिए. जितने भी लेक्चर्स आएंगे इसी तरीके से इंटरेस्टिंग होगा. जितनी डे बाय डे क्लासेस बढ़ती जाएंगी उतना ही अच्छी तरीके से मैं आपको पढ़ाऊंगा. तो अपने चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और हमारे साथ बने रहिए. आपका 10th लेवल का जितना भी सिलेबस उसे मैं कंप्लीट कराऊंगा और साथ में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस कराए जाएंगे. और 95 प्लस बेटा टारगेट रखते हैं आप सभी लोगों को, 95 प्लस मार्क्स लाने हैं और इसीलिए मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ. तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. थैंक्स फॉर वॉचिंग. चलते हैं, टाटा बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर पर. ओके बाय.